खबर अशोकनगर से ऑन द स्पॉट। कई बड़ी घोषणाएं आज की गई। सीएम शिवराज ने ओला प्रभावित फसलों का, बारिश प्रभावित फसलों का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों को सख्त लहजे में मौके पर समझाया कि किसानों की मदद की जाए तो सर्वे होगा, सर्वे के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। मैंने अफसरों से सीधा कहा है, कह रहा हूं, यह संकट की घड़ी है किसान के लिए, और जब कोई चूक ना हो जाए, ईमानदारी से सर्वे करना, 1-2% अगर मुआवजा देने के लिए ज्यादा लिखना पड़े तो लिख देना, लेकिन कम लिख दिया तो फिर मैं नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। भाई, संकट की घड़ी में हम किसान के साथ खड़े हैं। मैंने अफसरों से सीधा कहा है, कह रहा हूं, यह संकट की घड़ी है किसान के लिए, और जब कोई चूक ना हो जाए, ईमानदारी से सर्वे करना, 1-2% अगर मुआवजा देने के लिए ज्यादा लिखना पड़े तो लिख देना, लेकिन कम लिख दिया तो फिर मैं नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। भाई, संकट की घड़ी में हम किसान के साथ खड़े हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को जमकर नुकसान पहुंचा। खेतों में पानी भर जाने और ओलावृष्टि के कारण कहीं कहीं तो फसल भी खराब हो चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने किसानों को राहत देने का ऐलान किया। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का जायजा लिया। वो पृथ्वीपुर पहुंचे। एक महिला किसान सीएम शिवराज से लिपट कर रोने लगी। सीएम शिवराज ने महिला को आश्वासन दिया कि जल्द ही जल्द मुआवजा दिया जाएगा। तो सीएम ने महिला को मदद का पूरा आश्वासन दिया। तो ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का खुद जाकर जायजा लिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर इलाके में ओलावृष्टि से प्रभावित गांव का दौरा किया। यहां सीएम ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान, जो फसलों को नुकसान हुआ है, उसका जायजा लिया। सीएम ने कहा कि यदि 50% से ज्यादा नुकसान होने पर 30,000 प्रति हेक्टेयर के दर से मुआवजा दिया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि मौत के मामले में परिजनों को 4,00,000 का मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही गाय, भैंस, बछड़ा और बछिए की भी मौत पर मुआवजा दिया जाएगा। वहीं मुर्गा मुर्गी के मामले में 80 रुपये प्रति मुर्गा, 20 रुपये प्रति मुर्गी के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही हालात के मद्देनजर अल्पकालीन लोन को लंबे वक्त में अदा करने का भी वक्त दिया जाएगा। तो ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। जिन किसान भाइयों और बहनों की सिंचित फसल में 50% से ज्यादा नुकसान है, उनको 30,000 रुपए की, 30,000 रुपए प्रति हेक्टर की दर से राहत की राशि दी जाएगी। और केवल राहत की राशि नहीं, फसल बीमा योजना का अलग से लाभ दिया जाएगा। ऋण वसूली स्थगित करके अल्पकालीन ऋण को मध्यमकालीन ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा। और कोई आंखों में आंसू मत लाना, मैं जिंदा हूं, इस संकट से पार निकाल के ले जाऊंगा। हमारे विधायक साथी भाई शिशुपाल यादव जी, अनिल जैन जी, वरिष्ठ नेता हरिशंकर खट्टी जी, हमारे महामंत्री आयाची जी, सभी साथीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, बहुत ज्यादा परेशानी है। हम लोगों ने बहुत, हमें बुजुर्गों का भी परेशानी रही, हमको, हम लोगों को परेशानी रही। जमीन लिया, हम कहाँ से लिया, हमको जमीन नहीं।